लॉकडाउन के दौरान व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है। सोलन के छोटे व्यापारी हों या बड़े, सभी प्रभावित हुए हैं। किसी पर कम तो किसी पर ज्यादा कोरोना की काली छाया पड़ी है, जिसके चलते व्यापारियों के माथे पर अब चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। स्कूल, कॉलेज, जिम, पार्लर, सैलून, कॉल सेंटर्स को भी अभी तक खोलने की अनुमति नहीं मिली है। इन सभी की मनोव्यवस्था क्या होगी, आप इसका अंदाजा स्वयं ही लगा सकते हैं। वहीं इस कोरोना की छाया में हिमाचल का औद्योगिक क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। यहां काफी समय से कच्चा माल नहीं पहुंच रहा है, अब मजदूरों की समस्या भी पैदा हो गई है। अब भी पैकिंग और कच्चा माल देरी से मिल रहा है, जिसके चलते उद्योगपति बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। उद्योगपति सुमित सिंगला ने बताया कि पहले चाइना से कच्चा माल आता था, लेकिन वो लॉकडाउन होने के कारण माल नहीं मिल रहा है। अब वहां से माल आने लगा है, तो भारत में गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे व मध्य प्रदेश में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से अब कच्चा माल और पैकिंग का सामान बद्दी नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि जो सामान आता है वो भी काफी देरी से आ रहा है। ज्यादातर उद्योगपति और कर्मचारी पंचकुला और चंडीगढ़ में फंसे हैं और उद्योग नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए उत्पादन भी भगवान भरोसे चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आम आदमी को प्रदेश व केंद्र सरकार राहत दे रही है, उसी तरह उद्योगपतियों को भी छूट मिलनी चाहिए। बद्दी को फार्मा हब बोला गया है। ज्यादा से ज्यादा जितनी भी इंडस्ट्रीज है बद्दी के बीच में है फार्मा की। पहले चाइना से जितना हमारा मटेरियल्स आ रहा था वो मटेरियल्स बंद हो गया था, ड्यू टू वुहान से मटेरियल आता था, तो उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। अभी प्रेजेंट क्या है कि चाइना खुल गया है, पर अभी हिंदुस्तान में लॉकडाउन होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इस टाइम प्रकोप के कारण 30% चल रही हैं, और जितना भी रॉ मटेरियल्स है, पैकिंग मटेरियल्स है, जो अदर थिंग्स हैं, वो प्रॉपर वे से आ नहीं रही हैं। जैसे कि देखा जाए अपना गुजरात पूरा कोरोना महामारी के साथ बिल्कुल मतलब संक्रमित है, और दिल्ली बिल्कुल प्रॉपर वे से सबसे ज़्यादा केसेस हैं, और बॉम्बे जिसको अपन महानगरी बोलते हैं, अपना पूरा महाराष्ट्र वो भी कोरोना महामारी से के साथ संक्रमित है, और एमपी, मध्य प्रदेश, इंदौर, जहाँ से भी हमारा रॉ मटेरियल वगैरह भी आता है, और ये चार ही ऐसे स्टेटें हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है फार्मा का। ओवरऑल देखा जाए कि आज 30-40% जो इंडस्ट्री चल रही हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि रॉ मटेरियल्स उनका टाइम पे नहीं आ पा रहा, पैकिंग मटेरियल टाइम पे नहीं आ पा रहा, और सेकेंडली जो लेबर है, लेबर अपने घरों को चली गई है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकेंडली जबकि ट्राई सिटी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में और मोहाली और जीरकपुर में मैक्सिमम स्टाफ और जितने भी कंपनी के ऑनर्स हैं वो सभी वहाँ पे रहते हैं, डेली अप डाउन करते हैं, पर जब से लॉकडाउन 21 तारीख से हुआ है वो भी बद्दी में प्रॉपर वे से आ नहीं पा रहे हैं। आजकल अभी गवर्नमेंट ने लास्ट 2-3 डेज पहले स्टार्ट किया है, वो भी जो आ रहा है कि इवन अल्फाबेटरी नंबर के अकॉर्डिंग्स आ रहे हैं, पर कम लोग आ पा रहे हैं। इसका एक जो सबसे बड़ा इफेक्ट ये पड़ेगा कि जे फैक्ट्री जो चल रही हैं वहाँ पे जो मुलाजम नहीं होंगे और स्टाफ नहीं होगा, तो मे बी हो सकता है कि क्वालिटी की गुणवत्ता वे भी एक क्वेश्चन मार्क हो, क्योंकि मालिक का कंपनी में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है और सीनियर स्टाफ का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंडस्ट्री सर, मेरी जो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट सबसे ज़्यादा मांगे ये रहेंगी कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने अभी तक फार्मा को जबकि कोई भी पैकेज नहीं दिया है इस दौरान, जबकि कोई भी बैंक की तरफ से कोई भी फैसिलिटी नहीं दी है। अभी जैसे कि पीछे एक बहुत ज़्यादा चल रहा था वो अभी क्लैरिटी जबकि रिसेंटली आई है कि आपने सभी एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। जबकि अभी लास्ट जो मार्च ओवर हुआ है, जो मार्च कंप्लीट हुआ है, उसकी सभी को लोगों ने सैलरी दे दी है। अप्रैल में जो मुलाजम फैक्ट्री में आ रहे हैं वो मुलाजम की सभी को सैलरी देंगे। जो सुझाव है, सुझाव के बीच में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि इसके बीच में गवर्नमेंट को कम मात्रा पे बैंकों को हदायतें दे देनी चाहिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेट करें, और बैंक के जो भी लोन्स वगैरह हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके बहुत ओवरलोडेड लोन्स हैं, जे वो कल ऐसा नहीं मतलब फैक्ट्री खुलती है 30% पर 40% चलाते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा। मे बी हो सकता है कि आगे वो ग्रो ना कर सके। हमारी मांगें ये गवर्नमेंट से रहेंगी कि एक जितना भी स्टाफ है और जितना भी चंडीगढ़ से एम्प्लॉइज हैं उनको प्रॉपर वे से